गाइस आपके अपने चैनल ई फूड रेसिपी में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों भिंडी की तो आपने कई रेसिपी बनाई होगी, लेकिन अगर इस तरह की दाल भिंडी की बना लेंगे ना, भिंडी और मसूर, साबुत मसूर की दाल, तो इसके सामने सभी रेसिपी, सारे छोले जो भी आपने खाए होंगे सब फीके पड़ जाएंगे, सारी सब्जियाँ छोले। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने चार मिर्ची ग्राइंडर में ले लेनी है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10 जवा लहसुन और 2 बारीक प्याज रफली कट करके ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है और उसको निकाल लेना है कटोरी में। और कुकर में डालेंगे 1 चम्मच तेल पहले, बड़े वाले चम्मच से, और उसमें भिंडी को ध्यान रखिएगा धुल कर अच्छे से सुखा कर काट कर लेना है, उसको रख देना है। और उसके बाद इस तेल में भिंडी और 1 आलू को हम फ्राई करेंगे, और तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि है हल्का रेड ब्राउनिश ना हो जाए। और इसमें हम 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे, हल्दी डालने से भिंडी का कलर बरकरार रहेगा और भिंडी इस और फ्राई करने से भिंडी हमारी गलेगी नहीं दाल में। आप इसको ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इस तरीके से। तो ये देखिए अब हम भिंडी को निकालेंगे, भिंडी हल्का रेड ब्राउनिश हो गई है। और वापस से इसमें 1 चम्मच तेल हम फिर से डाल देंगे, और इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। जीरा हो जाने पर इसमें हम लहसुन, मिर्ची, अदरक और प्याज का पेस्ट डाल देंगे और उसको अच्छे से होने देंगे 1 मिनट तक। और उसके बाद इसमें हम 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे, और 1/2 चम्मच इसमें हल्दी पाउडर, और 2 चम्मच इसमें हम मसाला डाल देंगे, और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, और 1 टमाटर काट कर डाल देंगे, और 1 कटोरी यहाँ मैंने मसूर की दाल ली है। साबुत मसूर को भिगो देना है आपको 1 घंटे पहले, और उसको भिगो कर अच्छे से पानी से धुलकर ले लेना है। तो वही दाल है ये, और दाल को डालकर सभी मसाले को अच्छी तरीके से भून लेंगे। ये भिंडी की दाल जो है ना, भिंडी और मसूर की दाल जो है बहुत ही स्वादिष्ट लगती है, और सबसे खास बात यह है कि फटाफट से बन जाती है। और इस तरीके से बनाएंगे तो भिंडी कभी नहीं गलेगी और बहुत स्वादिष्ट बनेगी। तो इसको हम 1 या 1/2 मिनट तक भूनेंगे दाल के साथ मसाले को। उसके बाद इसमें हम लगभग 2 ग्लास पानी डाल देंगे, और पानी डालकर इसको अच्छे से चला देंगे। और चलाने के बाद इसमें जो हमने भिंडी और आलू को भून कर रखा था ना पहले, उसको इसमें वापस से हम डाल देंगे। ये देखिए, तो ये दाल जो है लगभग 4-5 लोग के लिए परफेक्ट रहेगी। इतनी अगर आप ज़्यादा लोग के लिए बना रहे हैं तो सामान को घटा या बढ़ा सकते हैं, और 4-5 लोग के लिए दाल बिल्कुल परफेक्ट रहेगी खाने के लिए। कम नहीं पड़ेगी, कम भी पड़ सकती है क्योंकि इतनी स्वादिष्ट बनती है कि सब दाल को वैसे ही खा डालेंगे। और भिंडी आलू को डालने के बाद इसमें हम 1 और 1/2 चम्मच नमक डाल देंगे। आप अपनी टेस्ट के अनुसार नमक डाल सकते हैं। ढक्कन को लगा देंगे और लगभग 3-4 सीटी आने देंगे, और फ्लेम को मीडियम रखना है। और 3-4 सीटी आने के बाद ढक्कन को खोलेंगे जब उसकी हवा निकल जाएगी। और ये देखिए गर्मा गर्म दाल को बाउल में निकाल कर सर्व करिए, और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में, यकीन मानिए, मतलब मुंह में पानी आ रहा है। और इसके सामने ना जो आप मटर के छोले या चने के छोले बनाते हैं ना, वो सब फीके पड़ जाएंगे। और दिखा दे रही हूँ आपको, भिंडी बिल्कुल भी नहीं गली है। इस ट्रिक से बनाएंगे ना तो भिंडी जो भरता हो जाती है ना, वो भरता नहीं होगी, वो भिंडी एकदम साबुत रहेगी। और खाने में इस दाल का टेस्ट एकदम बहुत ही लाजवाब लगता है। चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, यकीन मानिए एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। धनिए से गार्निश करिए। देखिए चम्मच से आपको दिखा देते हैं, भिंडी एक भी नहीं टूटी है। ये देखिए साबुत भिंडी वैसे की वैसे है। तो बनाइए जरूर, और भी नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करिए, शेयर जरूर करिएगा और वीडियो देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।